45 मिनट्स दो में दोनों बाथरूम में करके हाय गाइस मेरा नाम निखिल है और मैं चेष्टा हूं और आज हमने काफी दिल से खुल के बातें करी हैं सिद्धार्थ करण के साथ सो मेक श्योर यू गो एंड फॉलो इज YouTube चैनल फर्स्ट सीजन के फर्स्ट टेम्पटेशन कपल शो से पहले हाथ पकड़ के बैठे हुए थे ये हाथ छोड़ दिया दोनों ने निखिल और चेष्टा पकड़ ले पे मोहब्बत जिंदाबाद <laughs> या लस्ट जिंदाबाद क्या है? प्यार 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 जिंदाबाद प्यार, प्यार मिक्स्ड विद लस्ट प्यार सिर्फ प्यार देयर नो लस्ट प्यार इमोशंस no पर लस्ट है कि नहीं लस्ट तो फिर अट्रैक्शन बोलो आप लस्ट क्यों वर्ड होता है मिड टाइम

बिल्कुल आप जेन्यूनली के साथ प्यार में हाँ है ना हाँ <laughs> हाँ हा, आपको मेरे शक्ल से नहीं दिख रहा क्या आई लव यू सब बोल चुके एक दूसरे को प्रॉपर्ली ऑफ द कैमरा फिनाले ऑफ द कैमरा तो हाँ बट जो मेन फिनाले पे भी बोला था उसके बाद तो ऐसे मुझे ये बताओ तुम इनमें वो क्या बात है जो आपने नोटिस <laughs> किया बी आउट ऑफ द शो आउट ऑफ द शो जो आपने इन द शो ने नोटिस किया पर आउटसाइड द शो आपने कहा मजा गया, वो क्या है मत और एक्चुअली हमारे सबसे अच्छी चीज क्या आती है जो कनेक्शन बना वो डे वन से बना तो हमने जितने भी सारे डे स्पेंड करे स्पेंड करे तो इतना कुछ ऑलरेडी पता लग गया कि अब जब मैं बाहर आया हूँ आई थिंक अभी तक तो इसको शायद मेरे से प्रॉब्लम है

अब यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है काम है डिस्ट्रैक्शन नहीं बोलूंगी काम, काम है।, है और ये ना पूरा दिन फ़ोन पे रहता है काम करता रहता है करता रहता है तो उस टाइम हम, हम इतनी ज़्यादा बात करते थे और पूरा दिन बात करते थे हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन ही थी वो जितने भी लोग थे वो अपनी दुनिया में थे और हम अपनी दुनिया में थे विला के अंदर तो अभी ये पूरा दिन फ़ोन पे लगा रहता है लगा रहता है। तो मेरी कंप्लेन है कि पूरा दिन हम कॉन्वर्जेसन कम्युनिकेशन इज़ इंपॉर्टेंट फॉर हिम ऐसा इसने बोला था शो में कम्युनिकेशन में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है

ये तो आई थिंक हम उस फेज से निकल चुके हैं जहाँ पे एक दूसरे का फ़ोन चेक करना yeah. और यू नो क्वेश्चन करना बिकॉज अगेन हम दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी ना एक कॉन्फिडेंस दिया एक स्ट्रेंथ दी है तो ये सोचना कि भाई वो क्या इनसिक्योरिटी आई डोंट थिंक हमारे बीच में बिल्कुल भी है ये बेस्ट yeah. थिंग रही है वहाँ से भी मैं तो इसको वहाँ पर ही बोलता था कि अगर आपको थोड़ा और एक्सप्लोर करना करो इतने लड़के हैं जाके मिलो बट शी इज़ वेरी नाइस आई थिंक हमारा जो कनेक्शन था उसकी वजह से मैं इनका मन किया और अब

बोल भाई बात कर रहे हैं। आपको जो आगे है, आगे आगे उसको सी, एक जो 22 साल का एक लड़का लड़की होते हैं और जो 30 साल का लड़का लड़की होते है उनमें बहुत डिफरेंस होता है और मैं शायद यहाँ पे आज इसलिए पहुंच पाया हूँ बिकॉज जो मैंने गलतियां करी है ना उससे मैंने बहुत सीखा है इसकी वजह से मैं इनको समझ पाया तो उन गलतियों की वजह से इतना जो मैं ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ हूँ जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग हुई है लाइफ एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो जो मैं पहले था उससे आई से कि अब मैं बहुत ही डिफरेंट इंसान हूँ तुमने क्या गलतियाँ की थी Pass बहुत, बहुत गलतियाँ कभी, really कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई ऐसे लोगों को हर्ट कर देते हो लाइफ में जो आपके साथ सारा टाइम यू नो दैट स्टेज विद यू तो काफ़ी देर मेरे साथ रहा था उसने काफ़ी मेरे को बॉर्डर भी किया था प्लस uh, उसके वजह से मेरे अंदर एक अभी भी है मैं इनको यही बोलता रहता हूँ हमारी एक ही चीज़ की थोड़ा सा इशू आ रहा है हमें कि आई हैव दिस फियर कि मैं किसी को ना हर्ट नहीं कर सकता क्योंकि जब आप एक बार हर्ट कर देते हो ना तो जो बंदा हर्ट होता है वो फिर भी ओवरकम कर लेता है विद टाइम बट जो उसको हर्ट करता है ना उसके अंदर गिल्ट रह जाता रह है और वो यू नेवर नो कभी लाइफ लॉन्ग भी रह सकता है कर्मा कर्मा यू कैन से कर्मा बट वो गिल्ट जो है ना दैट रियली स्टेज विद यू एट द बैक ऑफ हेड आपने कभी चीट किया रिलेशनशिप में किया है और उनसे बहुत कुछ सीखा भी उन गलतियों से मैंने और यही सीखा उसके बाद के जिंदगी में कभी नहीं करना आई अप्रीशिएट द फैक्ट दैट आपने रियलाइज किया कि वो बहुत गलत था एंड आई रिस्पेक्ट दैट मल्टीपल बार चीट किया है कि एक के साथ एक चीट किया कि सारे रिलेशनशिप में ये ट्रेड था आपका उस वक्त कोई ट्रेड्स थे मेरे बट वो आई वॉक ऑन दैन आई थिंक आई 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 मे बी टू टू मच ऑफ उसके बाद फिर जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है एक सेल्फ uh, इम्प्रूवमेंट की सेल्फ डिस्कवरी की उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं किया उसके बाद उस एज में जब अर्ली ट्वेंटीज में थे आपने चीट किया था और मल्टीपल बार भी किया था लाइक या लाइक यू यू कैन से नो आपको मालूम था कि ये जो ओपनली मुझसे कह रहे हैं अप्रीशिएट दैट बाय आई लाइक दीज ओपन कॉन्वर्जेशन है तो फिर मज़ा नहीं आता है, mm -hmm. you know, got our up. आपने ये जो इन्होंने जिक्र किया इसके बारे में मालूम था आपको यही चीज़ मुझे इनकी अच्छी लगती है कि सारी कॉन्वर्जेसन मेरे साथ हो चुकी है इनकी क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अपने जो आपकी बैड चीज़ें हैं बुरी चीज़ें हैं या जो लोगों को लगती हैं बुरी हो सकती हैं वो पहले रखो टेबल आप यू you नो know, अच्छी चीज़ें दिखाओ मत वो तो अपना पता चली जाएंगी तो वो सबसे अच्छी चीज़ लगी ये सारी कॉन्वर्जेसन हमारी विला के अंदर हुई थी धीरे धीरे ही ग्रेजुअली उसके बाद ही यू नो हम लोगों ने एक दूसरे को जज भी नहीं किया वो हमें समझ आया कि वे नॉट जजिंग ईच अदर

आपका पास्ट बिफोर यू मेट हिम हैज बीन वेरी वेरी ट्रोमैटिक राइट अर्जुन के साथ दस साल थी आप रिलेशनशिप में आप दोनों ने डिसाइड किया कि आप देखोगे कि रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकता है या फिर फीका पड़ेगा यू केम इन टू आइलैंड और इमीजिएटली इनके साथ कनेक्शन बन गया राइट right? क्या आपको लगा दिल से गिल्ट फील हुई अर्जुन की ओर की दस साल का रिलेशनशिप ऐसे चला गया Uh, मैं गिल्ट नहीं बोलूँगी क्योंकि uh, मेरी जर्नी में ना अर्जुन को भी पता हर चीज़ है मुझे भी पता है और कहीं ना कहीं मैंने इनको भी इन्वॉल्व जब किया अपनी लाइफ में तो इनको मैंने पूरा सच के साथ बताया तो मैं गिल्ट नहीं बोलूँगी बट हाँ अब जब दिल टूटते हैं तो हर्ट तो होता ही है और uh, हम रेडी थे इस चीज़ के लिए जब हम आ रहे थे शो में तो हम लोगों ने बात की थी बाकायदा बैठ के कि uh, हो सकता है ये शो हमारे लिए लास्ट भी हो क्या बता हम इसके बाद ना मिले क्योंकि कोई आप लोगों ने डिस्कस किया कोई कपल ऐसे डिस्कस करता नहीं है कि वो चाहेंगे लेकिन मुझे कहीं ना कहीं और उसको भी ये चीज़ पता चल हमारे बीच में ना बहुत बार अप एंड डाउन ऐसे ऐसे आए कि हम लोग लंबे लंबे समय के लिए बात नहीं करते थे छः छः महीने भी हुए हैं दस सालों में ऐसा हुआ है ब्रेक लिया है तो उसके बाद देन वी गॉट बैक बहुत बार, बार चीजें ऐसी हुई हैं तो मैंने मैंने एक्चुअली अर्जुन से ये बात की थी कि हो सकता है आज हम ये जो बैठे हैं इसके बाद हम शो के अंदर जा रहे हैं कल और जब हम निकले तो हो सकता है कभी हम एक दूसरे तो की शक्ल भी ना देखें तो आज जो सारी बातें करनी है एक तरह से कर लेते हैं तो ही वॉज ऑल्सो प्रिपेयर बट हमारे मन में वो चीज़ें थी कि अगर एक एक छोटा सा वो था मेरे अंदर कि क्या पता यू नो आई बिलीव इन गुरु जी आई हैव आई फॉलो गुरु जी तो कहीं ना कहीं मैंने उनसे बात की थी कि क्या पता ये कुछ अला मतलब चीज़ें अलाइन हो रही हैं फिर से हम वापस आ रहे हैं क्योंकि हट जा मतलब यू नो हम ब्रेकअप करते हैं फिर वापस आते हैं ब्रेकअप करते हैं फिर वापस मेरे को एक वो भी एक थाट था बट जब मैं अंदर एंटर हुई और फर्स्ट वीक में ही यू you नो know, जब मेरी इनसे बात हो रही थी दो तीन दिन बाद ही हमारा वो कनेक्ट मुझे दिखा लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो बहुत जल्दी से यू you नो know, क्योंकि आपका बॉयफ्रेंड भी है शो में हो तो वो हमारा एक कनेक्शन बहुत अनरियल सा लगा मुझे कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि शो में ऐसा कुछ होएगा जो हमारी कॉन्वर्जेस होती थी और मैं बहुत ज़्यादा मेरे ना वॉल्स थे मतलब मुझे uh, लड़कों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था ही नोज कि मैंने आठ मतलब पिछले आठ नौ महीनों से दोस्तों से मिलना या यू you नो know, लड़कों से बात करना बंद कर दिया था क्यों तो वैसे ही मतलब अंदर बहुत हर्ट था मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे नहीं चाहिए लोग अपने आसपास मुझे अकेले रहना या ज़्यादा बेटर है कि चार ही लोग हों तो उसकी वजह से भी मेरी अपनी बाउंड्रीज़ और वॉल्स सेट थी बेसिकली बाउंड्रीज में बट इनके साथ जब मेरी बात शुरू हुई और दो तीन दिन में वो जो इन्होंने समझा ना ऐसा लगा था कि मैं कुछ नहीं भी बोल रही तो भी वो चीज समझ रहा है और उसको पता है कि मैं को क्या बोलना है वो बहुत अच्छा कनेक्ट था कि मेरे क्वेश्चन के जो मैं क्वेश्चन नहीं भी पूछ रही उसके आंसर इसके पास थे कितने टाइम में आपको पता चला कि आप और निखिल ऑफिशियली एक रिलेशनशिप में है या तो एक माइंड में आपको पता चल जाता है कि यार निखिल तो मेरा बॉयफ्रेंड है या तो वर्बली आप बोलते कितने टाइम में ये हो गया था ये आई थिंक बॉयफ्रेंड और ये रिलेशनशिप वर्ड मुझे समझ नहीं आता मुझे एक रियलाइजेशन हुआ था हम uh, कि ये कोई है मेरा अपना मतलब मुझे ये रियलाइजेशन हुआ था हम एक आई थिंक सेकेंड वीक थर्ड वीक में हम एक फुल मून था और हम लोग ना सारे uh, मैं निधि समद और ये हम लोग uh, रात को फुल मून हम लोग रोज़ चांद देखने जाते थे हमारा शुरू से कनेक्शन भी स्टार्ज और मून से ही बैठा है कि ये बातें करते थे हमने स्टार्ट यहीं से करी थी तो हम और वहाँ जाके हम चुपचाप बैठते थे हम लोग विला में रात को दो बजे हम गार्डन में जाके बैठते थे, थे और चुपचाप सिर्फ ऊपर देखते थे हम बात नहीं करते थे वो रात के टाइम सोने से पहले तो so वो एक फुल मून वाला दिन था जब हम लोग कुछ कॉन्वर्जेशन कर रहे थे चांद को देख के उस दिन मुझे कुछ रियलाइज हुआ इसने कुछ एक दो ऐसी बातें बोली जिसको याद नहीं है <laughs> अरे? इसके लिए हमारा झगड़ा भी हुआ था बट वो जो उसने बोला उस दिन शायद मुझे पता नहीं कुछ हिट किया कि नहीं ये जो वो बोल रहा है शायद इसका ये आंसर है मेरे लिए तो वहां मैं शौर हो गई थी कि ये इंसान मेरी लाइफ में कुछ री, किसी रीजन से आया तो वह, वहां से एक मेरी अपनी जर्नी स्टार्ट हुई थी मैंने उनको नहीं बताया था तब तब तो मुझे रियलाइज हुआ था कि मुझे बताया गया कि बहुत से लोग कहते हैं कि यूर अग इज गुड फॉर एक ग्रीन फ्लैग हो फॉर हाउ मैन और मैंने सुना तुम्हारे बारे में बट ये मुझे बताओ कि जब तुम और अर्जुन आए थे शो में यू बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड फ्रेंड गर्ल नो मैंने ब्रेकअप नहीं हुआ था यू यू सेड विल फिगर उसके बाद हम लोगों का पैच अप होते ही, दम से शो आ गया। मुझे यह तक पता चला है कि अर्जुन को दो कनेक्शन मिले थे hmm. उन्होंने कनेक्शन सॉलिड नहीं किया अपना कि कहीं उनको लग रहा था कि चेष्टा मेरे लिए है और मैं चेष्टा के लिए हूं और वो अकेले चले गए शो के बाहर क्या हर्ट हुई उस होल प्रोसेस के साथ यहां ये बंदा मेरे लिए वेट कर रहा है और मैं आगे चली गई किसी और के साथ वो हुआ या गिल्ट नहीं हुआ थोड़ा सा बुरा लगा मुझे जेन्य बुरा लगा था जब और स्पेशली बुरा तब लगा उस दिन नहीं जब हम सा वहाँ पर लाइव थे जब यहाँ पे वीडियोस देखी जब मैंने टेलीकास्ट देखा तो वो देख देख के क्योंकि ना बड़े सारे कैप्शन या बहुत सारी चीज़ें डलती हैं लोग सिंपथाइज करते हैं वो देख के मैं थोड़ी इमोशनल टाइप हूँ मतलब मैं ऐसी किसी को चीज़ें वहाँ जब मैं थी जब ये वहाँ था और अर्जुन वहाँ था तब मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि मुझे पता है वो जर्नी में आ, मैं अर्जुन को बहुत अच्छे से जानती हूँ ग्यारह सालों से तो मुझे पता है कि जब मैं जब मैं उसकी आँखें देखती हूँ तो मुझे समझ आता है कि वो सच कब है और झूठ कब है तो उसके लिए मुझे कॉमेंट नहीं करना कि जब उसने मुझे चुना मतलब चूज़ किया तो मुझे बुरा लगा मुझे पता है वो क्यों चूज़ किया उसने उसने अपनी ईगो की वजह से किया जो मुझे लगता है हो सकता है ऐसा ना हो बट ग्यारह साल में जितना जानी उस हिसाब से तो मैं बता सकती हूँ आपको तुम्हारे वो नाटक कर रहा था नहीं नाटक नहीं बोलूँगी वो हर्ट था जब मैंने टेलीकास्ट देखा क्योंकि जब मैं इसके गले लग रही थी तब तो मैं इसको देख रही थी जब मैंने टेलीकास्ट में उसके रिएक्शन देखे तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा दैट ही वॉज़ फीलिंग हेल्पलेस मे बी क्योंकि जो स्टैंड वो लेना चाहता था वो नहीं लिया उसने बट देन ऑन द यू नो अगर वो स्टैंड वो लेता उस टाइम पे हमारे बीच में दो बार उसने मुझे प्रपोज़ किया और दो शादी के लिए और दोनों बार ऐसा सिचुएशन हुई कि छः महीने बाद कुछ नहीं हो रहा है मतलब शादी तो आज तक नहीं हुई सो so, मैं और उसने मेरे को कितनी बार ये भी बोला है कि इफ़ यू वांट टू मूव ऑन प्लीज़ मूव ऑन बिकॉज़ अगर मैं आपको नहीं वो चीज़ दे पा रहा तो आप मैं चाहता हूँ कि आप अटको मत

नहीं एक्चुअली कुछ uh, इसका बहुत ऑपोजिट था बिकॉज uh, जब भी मेरी इनसे बात होती थी तो जो जैसे मैंने आपको बताया मेरी भी एक जर्नी रही है ठीक है मैंने भी अपनी जर्नी में गलतियों से सीखा है तो जितना इन्होंने मेरे को बताया था उसके बारे में तो आई कुड रिलेट विद हिम बिकॉज अगेन उनकी अपनी एक जर्नी है उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा mm. तो जब हमारी फ़र्स्ट कॉन्फ्रटेशन हुई थी दैट्स आई टोल्ड हिम के यार आई अंडरस्टैंड कि आपकी एक जर्नी है बट उस जर्नी से किसी और की ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए और हमारा जो कॉन्वर्सेशन हुआ था बहुत रिस्पेक्टफुल कॉन्वर्सेशन हुआ था एंड uh, उसने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया था कि यू नो आई वाज बाकी बाकी जो भी कनेक्शन uh, थे जो दूसरे लोगों के कनेक्शन थे देवा वेरी कॉकी देवा वेरी रूड बट जो मेरी और अर्जुन की बात हुई काफ़ी रिस्पेक्टफुल बात हुई थी एंड वी बहुत अप्रिशिएटेड कि भाई हमने बहुत अपने जो भी पॉइंट्स बहुत रिस्पेक्टफुली रखे एंड फ़िनाले uh, वाले दिन भी यू नो आई स्पेशली इवेंट आई मेट हिम मैंने उनको बोला कि देर आर नो हार्श फीलिंग्स देर आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड शी शीज़ गॉन थ्रू अ लॉट एंड

ग्यारह साल एक रिलेशनशिप में रहा होगा एंड ही सीज नाइट इन शाइनिंग सॉलिड जो आ रहा है एंड स्पेशली सॉलिड रिलेशनशिप और ऐसा भी नहीं है कि फ्लिंग हो गया वगैरह वगैरह वो तो अंदर से डिस्ट्रॉय हुआ होगा आई प्रूम क्या लगता है आपको क्या आपने उनके साथ शो के बाद बात किया नो कॉल no उसी दिन जब मैं उसको लास्ट में हक किया तो मैंने वो हक करते दिन यही बोला कि आई टोल्ड यू हो सकता है ये लास्ट हो हमारा और ये आज लास्ट है ध्यान रखना अपना और खुश रहना बस याद करके हम निकल गए डू यू मिस हिम नो जीरो जीरो वो मैंने वो रियलाइज कर लिया था शो के अंदर ही उन्होंने दो बार आपके साथ चीट किया राइट right? चीटिंग कब 11 साल में गैप के बीच में हो रहा था या कभी कंटीन्यूअसली बैक टू बैक चीट कर रहे थे क्या कर रहे थे वो मतलब अलग अलग साल में हुआ है uh, पहले आई थिंक रिलेशनशिप के तीन साल बाद ही uh, दो दो साल ठीक चला था हमारा रिलेशन थर्ड थर्ड ईयर में फर्स्ट चीटिंग हुआ एंड देन 2018 में हुआ फिर वो एक बार 2000 थाउजेंड ट्वेंटी में आई नो नो गो देयर अगेन बट हाँ अलग 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 टाइम स्पैन पे हुआ लेकिन चीज़ें बेटर भी हुई हैं और अगर जैसे पहले हमारी बात हुई थी कि हम फॉर करके आप मूव ऑन करते हो बट वो बैगेजेस जो होते हैं ना जब आप कम्युनिकेट नहीं करते तो वो बैगेजेस बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हो और आप अपने अंदर रखते हो उस चीज़ को तो वो मेरे साथ बहुत होता था क्योंकि हम लोग कॉन्वर्जेस नहीं करते थे चीज़ें हुई वो दो तीन महीने का ब्रेकअप हुआ उसके बाद आप वापस तो आ गए लेकिन वो कॉन्वर्जेस सॉरी वो सब नहीं हुआ और यू नो वी सारी अगेन तो वो चीज़ होती थी और मेरे अंदर वो चीज़ पायल अप होती गई होती गई तो कभी मैंने एक्सप्रेस ही नहीं किया बस ये था कि इतना कम्फर्ट जोन था हमारा डिपेंडेंसी थी मे बी और मुझे ऐसा लगता था कि अर्जुन से ज़्यादा मुझे कोई समझ नहीं सकता सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने ट्राई भी किया है तो मैंने हमेशा कंपे कम्पेरिज़न किया But after him, मुझे, भी नहीं करना था। मतलब मुझे था कि मुझे समझ आ गया था कि मेरे प्यार के देवता स्वीट डोंट यू थिंक वीटर ऑलवेज बैक अर्जुन को चांसेस दिए थे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने एक बात कही कि आपने उनको कंफ्रंट भी नहीं किया

ऐसा नहीं है मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ मैं अपनी फैमिली के बिना ही इतने सालों से रह रही हूँ अकेली लेकिन मैं मेरे जैसा इंसान ऐसा है मैं थोड़ी इमोशनल हूँ और मैं ना लोगों की इमोशनल साइड ज़्यादा देखती हूँ और मुझे लगता है कि इंसान मैं माफ़ भी बहुत जल्दी कर देती हूँ इंसान को सो so, अगर आपने बोला वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर जब ये भी उसी जर्नी से आया है राइट right? ये जब बदल सकता है तो वाई नॉट अर्जुन तो मेरे को ऐसा ही लगता था जब मैं अर्जुन के साथ थी कि इंसान बदलता है उसको चांस देना चाहिए और जब आप अपने ट्वेंटीज़ में होते हो और थर्टीज़ में होते हो बहुत बहुत डिफरेंस होता है आपका सोच आपकी सोच बदल जाती है तो और मैं ये नहीं बोलूँगी कि अर्जुन आज भी वही करता है या वो ऐसा ही है वो पहले की गलतियाँ हैं जो हम शो में आए और वो निकल आई कोशिश करी थी कि ना निकले लेकिन कई बार अपनी जर्नी बताने के टाइम पे आपको रियलाइज़ नहीं होता कि आप सामने वाले को हर्ट कर देते हो जिसका मैंने अपोलोजाइज भी किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उसको इस चीज़ का हर्ट हुआ है कि हम लोगों ने ये डिस्कशन क्यों किया कि जो इंसिडेंट्स हुए थे चीटिंग वाले वो क्यों बताए गए पता था सबको हमारा स्टोरी uh, भी उसी पे था कि ऑब्वियसली उसने एक्सेप्ट किया था कि मैंने दो बार चीट किया है चेष्टा को बट वो मैंने डिस्क्राइब किया शो के अंदर कि कैसे वो तो वो उसको हर्ट हुआ जो मुझे भी लगता है कि नहीं बताती तो शायद चल जाता या मैं थोड़ा पर्सनली बताती इनको सिर्फ जो मुझे लगता है मैंने उसके लिए पॉलोजाइज किया तो आपने सॉरी कहा उसमें

हम इवॉल्व होते हैं ग्रो होते हैं और हमारी आदतें भी बदलती हैं हम एक बेटर ह्यूमन बींग बनते हैं जब हम बड़े होते हैं तो आई एम श्योर उसकी जो लाइफ है उसकी जो जर्नी है अब आई डोंट थिंक शी शुड बी डिपेंडेंट बिकॉज ऑफ शी शुड नॉट भी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल वो उसकी जो चॉइसेस होंगी उसकी जो कॉल्स होंगी वो उसकी कॉल्स होंगी अब वो कैसे अपने लव प्रॉस्पेक्ट्स को हैंडल करता hmm. है आई डोंट थिंक उसकी कोई इसमें इसका कोई हाथ होगा हो या कोई रिस्पांसिबिलिटी होगी बिकॉज आई थिंक हम लोग शो में आने से पहले हमारा ये डिस्कशन हुआ है क्लियरली कि ये सब चीज़ें खुलेंगी हम ऐसा नहीं कि अवेयर थे क्योंकि जब हम टेम्टेसन में आ रहे हैं और ये शो ही यू नो रिलेशनशिप का है और हम क्यों आ रहे हैं रिलेशनशिप अगर अच्छा बहुत ब्यूटीफुल होगा तो आप क्यों आओगे अपना शो अ, उस शो में आप टेस्ट करने तो कहीं ना कहीं ये कॉन्वर्जेशन भी हुई थी कि चीज़ें खुलेंगी प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड मैं कोशिश करूंगी कि चीज़ें खुलते टाइम भी हम लोग डिसरिस्पेक्ट ना करें एक दूसरे की मैंने सारी बातें हमारी क्लियरली हुई थी कोई ऐसा नहीं कि सडनली uh, मैंने ऐसा कुछ बता दिया किसी को ऐसा नहीं पता था उसको हाँ उसको तरीका गलत लगा कि क्योंकि मैं हंसते हुए बता देती हूँ वो चीज़ तो वो मेरा एक उनको अलग लगा तरीका बा, बाकी ही अवेयर मोनी ने आपको स्लैम किया फॉर स्लैपिंग अर्जुन राइट स्लैम तो नहीं किया मतलब उन्होंने मुझे बड़े तरीके से समझाया कि दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग कोई भी हो लड़की हो लड़का हो हाथ नहीं उठाना चाहिए वो आप रिग्रेट कर रही थी राइट वो मैं रिग्रेट आज भी करती हूँ क्योंकि जैसे अभी आपने बोला अगर वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर मैं नहीं मानती उस चीज़ को क्योंकि वो भी जब 22 साल का था उसने तब चीट किया ये भी जब उस एज का था तब इसने भी चीट किया और बहुत सारी दुनिया में ऐसी चीज़ें होती हैं मैं भी जब 22 साल की थी तभी मैंने हाथ उठाया तो मैं आज रिग्रेट करती हूँ कि चीज़ें सीखते हो आप मैंने वो चीज़ अपनी गलतियों से सीखी और अगर वो गलतियाँ नहीं की होती तो शायद हम मैं इससे नहीं मिली होती कि मुझे या ये मुझसे नहीं मिले होते कि यू you नो know, आपको वो बॉक्सिस वो टिक करने के लिए पहले अपने आप को प्रिपेयर करनी पड़ती है मतलब यू नो ऐसे कितने सारे लोग आते हैं आपकी लाइफ में जो आपको कुछ सिखा के जाते हैं जब तक आप सही इंसान तक नहीं पहुँचते हो यू नो नहीं बट आई डू अंडरस्टैंड पास्ट एक्सपीरियंसेस से इंसान सीखता है

उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए dependable रहना चाहिए, और डिपेंडेबल <laughs> रहना चाहिए <थी>, क्योंकि <absolutely. laughs> <laughs> मेरा प्रॉब्लम है मैं वो रिलेशनशिप में अच्छे <laughs> <abusive रहे? laughs> <laughs> <रहे? laughs> नहीं होंगे बट एक दोस्त एक बेटा इंसान अच्छा इंसान Very, very क्या आप चाहोगे निखिल कि कभी एक सिचुएशन आए लाइफ में जब आप चेष्टा और अर्जुन कॉफी पे बैठे और गप्पे गपे ये so, बहुत फनी सी बात है ये ना बार बार मेरे को बोलती है कि मैं और अर्जुन बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं बिकॉज अगेन एक्सपीरियंसेस सेम रहे हैं कभी कभी बोलती है कि आदतें भी थोड़ी सेम है तो

After 10 years, in a happy space. So, नहीं बट अब मुझे वो नहीं चाहिए नहीं। मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं कि मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे और मैं चाहती हूँ कि मैं भी खुश रहूँ बट वो जो पैटर्न है ना वो ब्रेक करने जरूरी थे क्योंकि वो फ्रेंडशिप वाले पैटर्न में भी रहकर मैं आगे ग्रो नहीं कर पा रही थी और वो भी ग्रो नहीं कर क्योंकि हम चाहे एज अ फ्रेंड वापस आए याडेंट है एक दूसरे पर या वो एफेक्शन है कुछ भी हो लेकिन हम ग्रो नहीं कर पा रहे थे मतलब वो चीज़ जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ रिलेशनशिप में शायद वो नहीं दे पा रहा था या वो शादी बेसिकली क्योंकि उसने मुझे दो बार प्रपोज करके नहीं कुछ हुआ तो बहुत सारी चीज़ें हो गई थी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक इनके पास की वजह से क्या चेष्टा तुम्हारे साथ डिफेंसिव थी कभी कभार लोग क्या होते हैं पास एक्सपीरियंस को रख के बहुत चीज़ों के बारे में डिफेंसिव बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारे साथ थी डिफेंसिव तो थी बट एक्चुअली थोड़ा डर भी था इनमें ना और वो डर बहुत एविडेंटली दिखता था और पहले शुरू में शी वॉज हेजिटेटिंग ज़्यादा ओपन अप होने में इनको थोड़ा लगता था कि यू you नो know, अगर मैं ज़्यादा ओपन अप होगी या वनरेबल होगी तो मैं कहीं हर्ट ना हो जाऊँ दोबारा तो शी वॉज अ बिट डिफेंसिव अ बिट स्केर्ड एज वेल अगेन वो जो डर होता है वो तो अंदर रहता है ट्रामा है बैगेजेस हैं बट हमारा जो जर्नी ऐसे बिकॉज जब ये आई हुई थी ना तो अगेन ऐसे डर डर के बैठी रहती थी अपना यू you नो know,

Uh, एक बाउंड्री पुशिंग मोमेंट था टेंटेशन आइलैंड में दो थे पहला आप पे जाता हूं मैं <laughs> पहला <laughs> नो 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 है आ, पहला वाला था जैड और निकिता <laughs> वो पैशनेट <passionate> किस <kiss. laughs> जब वो हो रहा था आप लोगों का रिएक्शन क्या था वेरी हैप्पी तो uh, uh, वो पे

तब तक तो चीजें काफी आगे बढ़ चुकी थी हमारे बीच में तो, तो खत्म ही था हां क्या क्वेश्चन तो? किया था दूसरा वाला 45 मिनट्स में दोनों बाथरूम में कर क्या <laughs> <laughs> मैं 25, मैं बताता 40 नहीं 25 45 ज्यादा हो गया तो, 25 मिनट किया मैं नहीं, कर, नहीं, नहीं, मैं बताऊंगी मैं बताऊंगी बाथरूम साफ कर रहे थे नहीं बाथरूम का डिजाइन देख रहे थे कितना अच्छा है आप भी इतने सरप्राइज्ड हो गए सो एक्चुअली क्या था आप हंसोगे सुन ये क्या

मैं उस किसी और को डिस्टर्ब क्यों करूंगी सोचने वाली बात बहुत लोगों ने मिस कर दिया कि हुँ. अगर कहीं जाना था तो हम इनके वॉशरूम में जाते हैं मेरे exactly. वॉशरूम में चले जाते हैं एग्जैक्टली माने ज्यादा प्यार नहीं हो रहा था बाथरूम में जैसे <laughs> हमको लग रहा था बिकॉज़ <laughs> वो, वो स्टार्टिंग के दूसरे सेकंड सेकंड थर्ड डे जब हम मिले थे हम तो अपनी बातें करने रहे थे हमारी डेट आई थिंक हां डेट नाइट थी हमारी डेट खत्म हुई हमारी बातें चल रही थी हमने सोचा कि चलो ठीक है विल गो हैव अ कन्वर्सेशन एक दूसरे की कसम खा के बोलो ये सच बोल रहे हो कभी हां सच नहीं हमने अब यार झूठ नहीं बोलोगे वी किस्ड बाथरूम नो धन बाथरूम में कुछ नहीं <laughs> so you <kissed> चार्ण। <laughs> चार्ण। yeah. यार लोग होगा तुम्हारे वो हो गया एंटी <laughs> क्लाइमैक्ट गया <laughs> <laughs> यार। अभी किस किस को बोले जब बुझा दिया हमने पानी से हाँ तो बट लोग बिलीव करते जब आप ये कहते हो

सच में पूछ रहा हूं। सर। नहीं बहुत बार रिलेशनशिप टूट जाते हैं भाई आप पता चल रहा है आप यू नो रोम हो होता तो लगता कि ये तो, अच्छा, ये तो फीका है तो टूट जाता है इसका आंसर मैं देती हूँ तो वो जो छत वाला आ, हमारा 25 मिनट का जो किस हुआ था किस 25 मिनट का नहीं था 25 मिनट का किस हो रहा था वो तो प्यारा मोमेंट था

कुछ नहीं किया है आई थिंक अगर वो ना होता ना जैसे दिखाया भी गया अच्छा बिकॉज हमारा जो ग्राफ गया वो बहुत इमोशनली उसी की वजह से हुआ है आई थिंक काफ़ी लोग हमें रिस्पेक्ट कर रहे हैं जैसे यू you नो know, अगर आपने देखा होगा बाकी सब काफ़ी लोग ट्रोल हो रहे हैं बट लकीली uh, अभी तक हमें किसी ने कोई ट्रोल नहीं किया बिकॉज हमें काफी हमारी जर्नी को रिस्पेक्ट किया यू नो चाहे वीक मोमेंट से स्टार्ट हुआ होगा मे बी बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग बना सही बोला

Uh, बहुत ज़्यादा एज गैप है विच इज़ स्टिल एज का वो नहीं आई जस्ट बिलीव के अगर आप 22 हो और कोई 38 या 39 है उनके लाइफ गोल्स डिफरेंट होते हैं तो मे बी उनको वो कैसे नेविगेट करेंगे इफ दे कैन डू इट वेरी गुड फॉर देम डू यू फील निकिता भी ये कारणों की वजह से थोड़ी टेंटेटिव हो गई है कि एज डिफरेंस ज़्यादा है प्लस जैड एज अ चाइल्ड वो बाईस साल की है और प्लस वो ओवरसीज भी रहता है वो भी सोच रही है इन पॉइंट्स के बारे में

उट और बाहर आउट कर चेष्टा यह भी कहा कि निधि और समर्थ की आपको लगता है

तो मुझे समझ आया कि समझ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था उसके लिए निधि के लिए और निधि का हमेशा से दिखता था कि वो मोहक की तरफ ज़्यादा यू नो शीज इनटू टू मोहक ऑब्वियसली बॉयफ्रेंड है बट वो भी समझ से काफ़ी अटैच uh, हुई है अब वो मुझे समझ नहीं आया कि अब दो दिस इज़

नहीं नहीं आई थिंक ही इज आल्सो इन अ बेटर स्पेस नाउ बिकॉज कुछ चीज़ें उसको भी रियलाइज हुई हैं शो से निकल के mm. तो दे बोथ आर इन अ बेटर स्पेस नाउ सी जब आप किसी के साथ इतने दिन रहते हो ना इकट्ठे तो ऑब्वियसली एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है बिकॉज 42 डेज़ हैं कोई फ़ोन नहीं है कुछ नहीं है आपके पास तो जब आप इतनी देर किसी के साथ रहते हो तो एक इमोशनल कनेक्शन बनता ही है और वो उनका बना uh, कितना जेन्युइन था कितना नहीं था वो तो उनको ज़्यादा पता है बट यस समझ की तरफ से भी था काफ़ी ज़्यादा था निधि के तरफ से भी धीरे धीरे इन्फ्ल होते होते काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गए थे वो लोग सो अगेन आई बिलीव कि अब मोह और निधि के लिए वर्कआउट करना माइट भी बिट डिफिकल्ट बिकॉज वन यू सी सच थिंग्स यू नो एक दूसरा लड़का इन्वॉल्व हो जाता है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बट अगेन आई एम श्योर दे विल वर्क इट आउट अभिषेक मलान एलविश यादव वो कौन सी बात है जो आपको उनके बारे में अच्छी लगी या बुरी लगी दैट यू वॉन्ट द वर्ल्ड टू नो बुरी तो नहीं बहुत अच्छे हसमुख इंसान है जब भी वो जितनी बार भी बारे में? बहुत ऐसे, मुझे ऐसे लगा, बहुत दिल का, ऐसे समझता है प्यार से बात करता है और एलविश जो ऑन अदर हैंड वो काफी मस्तिक हो रहा है मतलब उसका एक डायलॉग निकलेगा तो कुछ ना कुछ जोक जोक ही निकलेगा मतलब तो दोनों का पर्सनैलिटी बहुत अलग है बट दोनों हंसाते हैं और बहुत अच्छे इंसान तुम भाई सी दोनों ने हमारे उसको बॉन्ड को इनफैक्ट सब ने सपोर्ट, सपोर्ट किया है काफ़ी सपोर्ट किया हमें काफ़ी गाइडेंस भी करी है और जब भी वो आते थे कुछ कोई ना कोई फ़न टास्क लेके आते थे आ, ले एक आते देर लेके आए थे, ले थे जहाँ पे <laughs> उन्होंने मेरे को बोला था कि इसको लैप डांस देना है

आप कुछ एक्स्ट्रा वो कर दो जो बाद में जाके प्रॉब्लम करे एक्सपेक्टेशन अच्छी है बट इट्स ऑलवेज गुड मैं वही कहता हूँ अपनी एक्सपेक्टेशन मेरे को बताओ अगर मैं वो नहीं कर पाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये नहीं मैं कर सकता अगर मैं कर पाऊंगा आई ट्राई कि मैं उसका डबल करूँ सो दैट्स आई थिंक दैट रियली हेल्प्स अस कि हम इतनी जो ओपनली बात कर सकते हैं तभी तो ग्रीन फ्लैग है बाबा हाँ <laughs> तभी तो मेरा भाई ग्रीन फ्लैग है आई लाइक इट डू विश या कहीं दिल से आप चाहती हो कि अर्जुन को उसका सोलमेट मिले कभी आपने प्रे किया या बोला है ये thought आया I know अभी नया-नया प्यार है कि कि अर्जुन को कोई मिले हाँ मैं ऐसी thoughts काफी आते हैं मेरे अंदर खुश रहे मतलब उसका, मतलब उसका उसको उसको भी वो उसको वो इंसान मिल जाए जो खुश रखे अपने पार्टनर को खुश रखे जो चीज़ मुझे नहीं मिली वो किसी और उसकी लाइफ में अब हो क्योंकि एक टाइम आता है जब आपको हर चीज समझ आ जानी चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है कि

जब हम वहाँ पे भी थे मैंने कुछ उनको ऐसा नहीं बोला कि यू you नो know, ये चीज़ें एक्सपेक्ट करें मैंने उनको ये बोला था कि जब हम बाहर जाएंगे इल बी स्टेप वन फॉर एस हम देखेंगे हमारी जर्नी कैसे जाती है कैसी ग्रेजुअली प्रोग्रेस करेगी बिकॉज वहाँ पे तो हम सारा टाइम इकट्ठे हैं बट हैंट व्यू स्टेप इंटी तो रियल वर्ल्ड जैसे बोल रही हूँ मैं मेरे को सो so मेरे लिए मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं उस पर को ज़्यादा थोड़ा कभी कभी यू you नो know, फोकस करने लग जाता हूँ और चीज़ें ध्यान नहीं देता हूँ तो अब हम निकले हैं अब धीरे धीरे देखते हैं अब कैसी हमारी जर्नी प्रोग्रेस होती है तो अभी तो बहुत टाइम है ये डिस्कस किया मैरिज

आप फील करते हो ऑर्गेनिकली आप ऐसा कुछ मत बोलते ना जो मुझे मैं कुछ और सोच लूँ और बाद में जाके मुझे ही हर्ट हो जाए और आप वो मीन नहीं करते मैंने कभी इसको एक बोला नहीं कि मुझे आई लव यू बोलना मैंने इसको बार बार बोला उतना आई आई लाइक यू भी बोल सकते हो जितना आप फील करते हो पर जिस दिन इसने बोला उस दिन तो मैं आई वॉज एक्चुअली ओ वन की भाई मतलब पूरी दुनिया के सामने कोई ऐसा इंसान मुझे प्यार ऐसा बोल रहा है कि डैडी लव्स मी तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और मेरे जैसे इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है पेरेंट्स क्या बोल रहे पेरेंट्स तो वही क्या क्या चल रहा है मतलब बताओ फिर शादी कब है मैंने कहा रुक जाओ भाई रुक जाओ ये सब मत बातें क्या करो पेरेंट्स तो से यही बातें करते हैं uh, सबसे sorted यही लगी उनको काफ़ी अच्छी लगी you know, इतनी अच्छी आउट ऑफ ऑल द पीपल जो वहाँ पे थे काफ़ी सॉर्टेड काफ़ी है ये आई थिंक uh, अगर ये वहाँ पे ना होती मैं किसी और से बात भी ना कर पाता तो ये आई थिंक माँ

आई एम नॉट श्योर इफ आई वॉज बट येस आई वॉज इन अ फेज वेर आई वॉज वेरी सैड एंड दे वॉज अ फेज वेन आई यूस्ट टू फील वेरी लो एंड इनको मैंने बोला है कि हमारा जो कनेक्शन बना भी इसलिए बिकॉज अननोइंगली शी अंडरस्टेंड माई पेन मैंने कभी इनको ओपनली इन्होंने तो ओपनली मेरे को अपने रिलेशिप का सब कुछ बताया चीज़ें डिस्कस करी मैंने वो भी नहीं किया था बट समवे डाउन द लाइन आई फील शी अंडरस्टूड माई पेन और आई थिंक हमारा कनेक्शन इतना स्ट्रॉग इसलिए बना बिकॉज हम दोनों ने एक दूसरे की पेन को समझाए सो so, वो काफ़ी मैटर करता है सो मे बी आई थिंक अगेन डिप्रेशन आई डोंट नो हाउ टू डिफाइन इट बट येस देर वॉज अ फेज वेर आई वॉज वेरी लो वेरी सैड दे वॉज अ लॉट गोइंग ऑन इन माई माइंड विच अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो बिकॉज आई एम समान जो काफ़ी चीज़ें अपने पास ही रखता हूँ वेरी सेल्फ इन्वॉल्व पर्सनल चीज़ें अपने में इनफैक्ट कभी मॉम डैड से भी नहीं कर पाया फ्रेंड से भी नहीं कर पाया सो कुड बी Up? मैं रही हूँ uh, मुझे डेफिनेशन तो पता है डिप्रेशन की और आई वॉज इन अ डिप्रेशन मे बी टू थाउजेंड थर्टीन फोर्टीन ऑल्सो वंस और अभी लास्ट ईयर भी मेरा काफ़ी टफ टाइम था जब मैं निकली हूँ और या yeah, डिप्रेशन ऐसा नहीं क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ अदरवाइज और मैं अपने आप को संभाल लेती हूँ और मुझे पता है कि मैं अकेली रहती हूँ बॉम्बे में मैं उस लेवल पे कभी नहीं गई हूँ कोशिश मेरी रहती है कि मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करूँ चाहे मैं ट्रैवल करके बट या आई हैव सीन दैट फेज ऑफ यू आपने थेरेपी सी की या नॉट नॉट थेरेपी थेरेपी बट आई हैव काउंसलर्स जो मेरे 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 से मतलब चाहे वो कैसे भी काउंसलर्स हो थेरेपी नहीं ले काउंसल काउंसलिंग कौंस्लिं, ले है मेरा लास्ट सेगमेंट कॉल्ड सिड का अंगार इतने तो अंगार ऑलरेडी आ गए <laughs> और कितने अंगार हैं बेस्ट थिंग अबाउट निखिल क्या है किस वे में अरे कुछ भी मतलब फिजिकल अपीयरेंस और क्या कुछ भी जो दिल से आया है एज अ पर्सन फिजिकली जो best भी बेस्ट चीज है कि ये बहुत शांत और बहुत सॉफ्ट स्पोकन है बेस्ट थिंग अबाउट शी गिव्स मी स्ट्रेंथ क्या बात है व्हिच कनेक्शन कपल इन द शो आपको लगता है will not have long legs and will break up soon. दो <laughs> <laughs> दो तो ऑलरेडी देखो वॉकआउट हुए अलग हाँ बट uh, मुझे ऐसा लगता है कारगी और रौनक में भी अच्छा ओके okay. चेतना एंड निशा नहीं आई थिंक दे विल स्टे टुगेदर ओके कारगी एंड रौनक फॉर मी सो यू कुड बी डिफरेंट व्हिच रियल लाइफ कपल को जाना चाहिए टेंप्टेशन आइलैंड में रियल लाइफ कपल बॉलीवुड कपल हो सकते हैं जो आपको लगता है जाना चाहिए ताकि वो अपनी रिलेशनशिप को टेस्ट करें रणवीर कपूर आले बट रणवीर और दीपिका नहीं क्या नहीं नहीं सबको भेज दो सबको भेज दो सबकी फटीगी वहां पे हां आसान नहीं है इट वाज वेरी डिफिकल्ट बहुत डिफिकल्ट जर्नी थी एक्चुअली लाइक इमोशंस ऊपर नीचे ब्यूटीफुल तो हम साथ थे इसलिए हो गई लेकिन वैसे डिफिकल्ट है बहुत ओके व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से करण कुंद्रा वेरी सपोर्टिव मोनी रॉय प्रीटी गुड जेड